दोस्तों ये वीडियो देखो जिसे मैंने 2-3 दिन पहले ही YouTube पे अपलोड किया था, जिसमें आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके के कमेंट भी मिले, जिसमें एक कमेंट आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। सर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट सब में कॉपीराइट आ जाता है, आप पक्का प्रॉमिस करो कि नहीं आएगा कॉपीराइट। दोस्तों मैं चाहता तो इन सभी को हाँ या ना में जवाब दे सकता था, क्योंकि आप लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, तो मैंने सोचा जवाब देने से अच्छा है कि मैं लाइव आपको वीडियो अपलोड करके YouTube पे दिखा देता हूँ। इसलिए ये वीडियो मुझे फिर से बनानी पड़ी, तो चलिए मैं आपको वीडियो अपलोड करके YouTube पे दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, तो अगर वीडियो में कॉपीराइट नहीं आता है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो में कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है, तो चलिए अब मैं इस वीडियो को प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलो दोस्तों इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लूफी सॉन्ग क्रिएट करने के लिए एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ। पहली वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि लूफी सॉन्ग अपलोड करने से कॉपीराइट आ जाता है, या जो लोग लूफी सॉन्ग अपलोड करने से डर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको प्रूफ दिखा दिया है अपलोड करके, उसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इसमें ऐसा क्या किया है जिससे इसमें कॉपीराइट नहीं आया है। तो आज इस वीडियो में आपको इन सबका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, और साथ में सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई देखो, किसी भी लोफी सॉन्ग पे कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने उस सॉन्ग को किस तरीके से एडिट किया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी लोग लोफी सॉन्ग क्रिएट करते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं जिससे इनके चैनल पे कॉपीराइट नहीं आता है, पर आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हम अपनी वीडियो के लिए सॉन्ग डाउनलोड करेंगे, सेकंड पार्ट में हम अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करेंगे, थर्ड पार्ट में हम अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड करेंगे, फोर्थ पार्ट में हम अपने सॉन्ग को लूफी सॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट में हम अपने सॉन्ग को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, डाउनलोड सॉन्ग्स। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लूफी सॉन्ग बनाने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सॉन्ग की जरूरत पड़ने वाली है। तो कॉपीराइट फ्री इंग्लिश सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? तो कॉपीराइट फ्री इंग्लिश सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, फिर वहां से आपको पिक्साबे वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है म्यूजिक, और इसके बाद आपको यहाँ इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अब आपके सामने कॉपीराइट फ्री इंग्लिश सॉन्ग आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इतने सारे सॉन्ग आ गए हैं, वो भी सारे कॉपीराइट फ्री हैं। आपको यहाँ पे जो भी सॉन्ग पसंद है उस सॉन्ग को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। हिंदी सॉन्ग आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ तक कि आपको यूट्यूब पे भी हिंदी सॉन्ग मिल जाएंगे, आप इनको कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी सॉन्ग आपको डाउनलोड करना नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब के पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश सॉन्ग डाउनलोड कर लेंगे। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2, डाउनलोड बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों इस पे मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने साफ साफ बताया है कि आप 100% कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इंग्लिश सॉन्ग भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 100% कॉपीराइट फ्री। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए फिर से मैं पिक्साबे वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा बैकग्राउंड म्यूजिक। इसके बाद यहाँ पे फिर से इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से म्यूजिक को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड म्यूजिक आ गई है, तो मैं यहाँ से किसी एक बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आते हैं पार्ट नंबर 3, डाउनलोड बैकग्राउंड वीडियो। कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ। मिक्सकिट, पिक्सल्स एंड पिक्साबे, ये कुछ वेबसाइट है जहाँ पे आपको 100% कॉपीराइट फ्री वीडियोस मिल जाएंगी और आप यहाँ से बिना कॉपीराइट के कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से पिक्साबे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ साउंड, और यहाँ पे इमेज पे फिर से क्लिक करूंगा और यहाँ से वीडियो सिलेक्ट कर लूंगा। अब आपके सामने काफी सारे वीडियोस नजर आ रहे हैं, ये सारे कॉपीराइट फ्री हैं और आप यहाँ से कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से किसी एक को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे उस वीडियो पे क्लिक करूंगा। तो पहले मैं इस वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ। अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से किसी भी साइज में इसे डाउनलोड कर लूंगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 2 वीडियो की जरूरत है, तो मैं एक और डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। अब आते हैं पार्ट नंबर 4, कन्वर्ट सॉन्ग इनटू ए लूफी सॉन्ग। सॉन्ग को एडिट करने के लिए आपको अपने मोबाइल और क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बार में सर्च करना ऑडियो जूनियर। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। अब आपको इस पहले वाले वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपने जितने भी सॉन्ग डाउनलोड किए थे आपको उनको सबको यहाँ पे लेके आना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड ट्रैक की एक बटन शो हो रही है, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और जिस फोल्डर में आपने सॉन्ग को रखा है वहां से उस सॉन्ग को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पे आपके सभी सॉन्ग एक साथ नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप एक एक करके भी ला सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं 2 हिंदी और 2 इंग्लिश सॉन्ग को यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी सॉन्ग को पूरा यूज नहीं करूंगा और ना ही आपको करना है, क्योंकि जब हम किसी सॉन्ग को पूरा यूज करते हैं तो वहां पे हमें कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं पहले वाले सॉन्ग के लास्ट से 25 सेकंड के पार्ट को ले लेता हूँ और दूसरे वाले सॉन्ग के मैं 20 से 25 सेकंड के पार्ट को ले लेता हूँ, और इस वाले सॉन्ग से भी मैं 25 सेकंड के पार्ट को 20 से ले लेता हूँ, और इस सॉन्ग से हम 25 सेकंड के पार्ट को आगे से ले लेंगे। ऐसा इसलिए हम करेंगे कि जिससे यूट्यूब हमारे सॉन्ग को पकड़ ना सके कि हमने कहाँ से क्या यूज किया।
किया है और इंग्लिश सॉन्ग का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट से बचने के लिए। अब इतना करने के बाद में यहाँ से आपको इसका फॉर्मेट चेक करना है, अगर यहाँ पे MP3 नहीं है तो आपको यहाँ से MP3 कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन वाली बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पे डन वाली बटन पे क्लिक कर देना है। आपने जो भी सॉन्ग क्रिएट किया है वो सॉन्ग यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सॉन्ग को कट करने के लिए और एक साथ जोड़ने के लिए अगर आप इस वेबसाइट का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो भी एडिटिंग ऐप को यूज करते हैं आप उससे ये सब कर सकते हैं। सिंपल, आपको किसी भी सॉन्ग को छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेना है और उन सभी को एक ही सॉन्ग में आगे पीछे करके जोड़ लेना है। ये आप किसी भी एडिटिंग ऐप से कर सकते हैं। अब आपको दूसरी एप्लीकेशन ओपन करनी है जिसका नाम है म्यूजिक स्पीड चेंजर। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी एप्लीकेशन के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो सिंपल आपको इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने सॉन्ग वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके मोबाइल के सारे सॉन्ग शो होने लगेंगे। तो यहाँ से अभी आपने जो सॉन्ग क्रिएट किया है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस सॉन्ग को बनाया है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे एक छोटा सा एरो नजर आएगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। कुछ भी आगे करने से पहले मैं आपको इसे प्ले करके सुना देता हूँ। मेरा कोई ना होके भी कुछ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पिच वाला ऑप्शन मिलेगा, तो मैं इसे ज्यादा नहीं -1.5 से -2 के बीच में रख लेता हूँ। इसके बाद आपको ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट कंपोनेंट्स का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से कॉन्फ़िगर कस्टम पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले कंप्रेसर को सिलेक्ट करना है, इसके बाद रिवर और मोनो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ से इन तीनों को ऑन कर लेना है। तो अब सबसे पहले कंप्रेसर को यहाँ से ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको कंप्रेसर की सारी सेटिंग मिल जाएंगी। यहाँ से अब आपको अटैक को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसके बाद आपको रिवर को ओपन कर लेना है। रिवर को ओपन करने के बाद में वेट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसके बाद आपको सेटिंग में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, केवल इन तीनों को ही आपको ऑन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब हमने यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। अब आप इसे सेव कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनकोडिंग KBPS का, आपको इस पे क्लिक करके 320 KBPS को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इनकोडिंग KBPS का, आपको इस पे भी क्लिक करके 320 KBPS को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप इसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव डायरेक्टरी का, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने म्यूजिक को जहाँ पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। सॉन्ग सेव करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। अब सॉन्ग को सेव करने के लिए आपको राइट साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेव एडिटेड ट्रैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है, आपका सॉन्ग सेव हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 5, कन्वर्ट सॉन्ग इनटू अ वीडियो। इसके लिए आपको काइन मास्टर ऐप को ओपन करना है। इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्रिएट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ से आपने जो बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे वीडियो यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे लूवी सॉन्ग के हिसाब से इमेज भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर आप मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से दूसरे वाले वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब इसे फुल स्क्रीन पे लगाने के लिए आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का, आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ आपको क्रोमा की का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है और इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब बैक आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अभी जो हमने लूफी सॉन्ग क्रिएट किया था उसे ओपन कर लेंगे। अब इस सॉन्ग की लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसे सिर्फ 1 पॉइंट कम करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक EQ का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको एक बेस्ट बूस्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लेके आएंगे, उसके लिए हम ऑडियो पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब बैकग्राउंड म्यूजिक की लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद मिक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे सारी सेटिंग कर ली है तो मैं आपको सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ। अब इसे सेव करने के लिए आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फुल HD सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप लूफी सॉन्ग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।